उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका लगा। बहुजन समाज पार्टी के इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी नेताओं ने पार्टी छोड़कर जा चुके थे और कई सारे नेताओं ने बीएसपी का, आपको बता दें, कि साथ छोड़ दिया था, जिससे बीएसपी को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। अब आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फिर से उन पुराने नेताओं की कार्य पार्टी में वापसी करवाई जा रही है। विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद बीएसपी ने संगठन को पुनः सक्रिय करके अपनी ताकत पहले की तरह मजबूत करने का काम शुरू किया है। हाईकमान के आदेश पर जनपद में बसपा छोड़कर गए नेताओं की वापसी कराई जा रही है। मंगलवार को भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष और एएसपी के मंडल प्रभारी रवि गौतम सहित सैकड़ों नेताओं को बीएसपी में वापसी करवाई गई है। उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सारसोल स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष नंदीप सिंह ने बताया कि बसपा छोड़कर अन्य पार्टियों में गए नेताओं कार्यकर्ताओं को पुनः बसपा में वापसी का अभियान शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हार से कोई भी कार्यकर्ता हताश या मायूस ना हो, राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है, जल्द ही पहले की तरह संगठन मजबूत होकर फिर से उत्तर प्रदेश में काम करेगा, रवि गौतम ने जानकारी दी।